नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। यस, स्टूडियो कला संगम में। और ये प्यारी प्यारी क्यूटीज यहाँ पर हैं, देखिए अनुविया, वेदशी एंड कनुषी। से हाय। यस, तो हम लोग आज क्यों इकट्ठा हुए? लवी, आपको थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा। हाँ, हम क्यों इकट्ठे हुए आज? क्योंकि आज न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। यस, न्यू ईयर पार्टी। वेट, शी इज एक्साइटेड फॉर पार्टी। कनिशी इज आल्सो एक्साइटेड। यस, पार्टी। यस, ये मैं लिखा भी हुआ है। ओके, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ ब्यूटीफुल सा डेकोर। सो वहाँ पे हमारी प्यारी देवशी भी है। देवशी से हेलो, हाय। एंड ये देखिए, ये हैप्पी न्यू ईयर का डेकोर है। ये सनित है, सनित से हाय। और यहाँ पर ये देखिए, ऐसे ही मस्ती चल रही है। और वहाँ पे किचन में निकिता और राज लगे हुए हैं, हाय। और पुनर्व अपने फ्रेंड के साथ बिजी है, स्मितिक के साथ। और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मुझे अभी वॉक करने में प्रॉब्लम है, तो मैं इस समय को एंजॉय कर रही हूँ। आराम से बैठती हूँ, मेरे पास खाना आ जाता है, सब मुझे दे देते हैं खाने के लिए, और मैं अपना चिल कर रही हूँ आराम से। बच्चों की प्यारी प्यारी मस्ती देख रही हूँ यहाँ पर, देखिए। सो आज का जो थीम है वो है ग्लिटर ग्लिटर। सो मोस्ट ऑफ अस आर वेयरिंग ग्लिटरी क्लोथ्स और ब्लैक। हाँ, देखो यहाँ पे बॉयज मोस्टली ब्लैक पहने हुए या फिर कुछ ग्लिटरी पहना है, डजंट मैटर कौन सा कलर है। देवशी, आपका भी ड्रेस बहुत प्यारा है, तो ये बहुत ग्लिटरी ग्लिटरी है। आई डोंट नो कैमरा में दिख रहा है या नहीं, आई थिंक दिख रहा है। अनुव्या का भी। आप लोग ये ब्लॉग न्यू ईयर के बाद ही देखोगे, तो मुझे बताइएगा आपका न्यू ईयर कैसा रहा, आपने क्या किया। यहाँ पर अभी काफी शोर है और शोर और बढ़ेगा, क्योंकि अभी त्रिवेणी की फैमिली भी आने वाली है, तो जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तब और मस्ती मजा होता है। देखते हैं आज निकिता ने क्या क्या प्लान किया हुआ है। तो यहाँ पर है कुणाल। सो कुणाल, आज आपको भी बोलना चाहिए सबको एडवांस में। हैप्पी न्यू ईयर। नहीं नहीं नहीं, ये ब्लॉग बाद में जाएगा, तो एनीवे आप सबको बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। और हम लोग बहुत खुश खुश है आज, है ना। निकिता के घर में पार्टी है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। एंड देखिए कुणाल ने भी ब्लैक किया है, अच्छे लग रहे हो आप। ये है गौरव भैया। गौरव भैया नमस्ते कर दीजिए। तो चलिए आज का ये डिलीशियस सा जो स्टार्टर मेन्यू है आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। तो यहाँ पे समोसा, चटनी और छोले आपको दिख रहे हैं। इसकी चाट बनेगी, समोसा चाट, होममेड चिकन नगेट्स हैं जो निकिता ने घर में बनाए हैं, दो तरह के मफिन्स हैं, और वेज और नॉन वेज पफ्स हैं जो कि त्रिवेणी बनाकर लाई थी। देखिए ये है प्यारा सा हैप्पी न्यू ईयर 2024 का डेकोरेशन। ये हैंगिंग्स बहुत क्यूट है। इसके अलावा निकिता ने यहाँ पे एक फोटो कॉर्नर भी बनाया था, सो बहुत प्यारा लग रहा है वो भी। और यहाँ पे जो है वेदशी और कनुषी को हम एंगेज कर रहे थे, कुछ कुछ स्नैक्स ऑफर कर रहे थे उनको। और मीनवाइल देखिए सारे बच्चे यहाँ पर, इनके भी गप्पे चल रहे हैं। सो एक्चुअली में यही होता है, जितने एक्साइटेड हम एक दूसरे से मिलने के लिए होते हैं उतने ही हमारे बच्चे भी। और यहाँ पर देखिए कनुषी के लिए राज ले आई है मफिन, जैसा मैंने आपको दिखाया था, दो तरह की मफिन्स थी। एंड बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ स्टार्टर खाने के लिए। और सबसे पहले बच्चों को यहाँ पर बिठा है और उनको हम स्टार्टर्स ऑफर करते हैं हमेशा, सो दैट वो अच्छे से खा लें, उसके बाद हम लोग पीसफुली अपने स्टार्टर्स एंजॉय करते हैं और आगे का जो भी हमारा फंक्शन है वो स्टार्ट होगा। आई गेस गेम्स एंड एवरीथिंग जो भी निकिता ने प्लान किया है वो आप इस व्लॉग में आगे देखेंगे ही। ये फर्स्ट स्टार्टर हमारा क्या क्या है? ये तो अच्छा वेज पफ, वेज पफ रेनी ने बनाया ना। निकिता, फर्स्ट गेम क्या है ये बताओ। इस गेम में दो लोग होंगे, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या बच्चे भी अपने पार्टनर के, जिसको खोल सकते हैं, पार्टनर्स होने चाहिए। ओके, बलून एक जगह से उठाएंगे और अपने बैग के इससे होल्ड करेंगे दूसरी जगह, दूसरी जगह लाना है और एक मिनट में कौन मैक्सिमम लेता है। एक्साइटेड एवरीवन, एक्साइटेड बिहार। यस, तो ये गेम मैं नहीं खेल पाऊंगी क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें जो है चलना है और एक जगह से दूसरी जगह बलून लेके आना है, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो मैं एंजॉय करूंगी, आप भी एंजॉय करिए।
तो इस तरीके से ये गेम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले देवशी और अनुव्या ने स्टार्ट किया। देखिए इस तरीके से ये बलून को लेके आना है इन्हें और एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक, और एक मिनट में कितने बलून्स ये इकट्ठे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम जो आप भी खेल सकते हो अपने किसी भी सेलिब्रेशन में। बच्चे और बड़े सब इंजॉय करते हैं इस गेम को। जाओ, एक और। टू थ्री स्टार्ट। वेरी गुड स्मृति, वेरी गुड। है ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा गेम। बस आपको बलून चाहिए। तो आप सब लोग भी ये गेम जरूर ट्राई करिएगा अपनी किसी पार्टी में और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये गेम खेलकर। और हमें तो बहुत मजा आया। और आज के विनर इस गेम के रहे त्रिवेणी और राजू जी। अंजी निकितान, अगला गेम क्या है? इसमें सबके नाम का चिट है। बैठो बैठो। इसमें सबके नाम का चिट रहेगा, जिसका नाम निकलेगा उसके कान में मैं कोई वर्ड बोलूंगी और उसे ड्रॉ करना है, बाकी ऑडियंस को गेस करना है। वाओ इंटरेस्टिंग। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है हम बड़ों का होने वाला है। एग्जैक्टली क्योंकि हमारी ड्रॉइंग इतनी अच्छी है। मेरी तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो ऐसा बनाऊंगा कि जब मैं सोच रही थी तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा इसमें बहुत मजा आने वाला है। ओके सो वी आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट गेम। इसमें प्राइज है तभी हम करेंगे, नहीं तो हम लोग बिजी हैं। सो गेम्स के बीच में हम लोग ये ड्रिंक्स भी इंजॉय कर रहे थे। विदाउट अल्कोहल ये ड्रिंक है और जैसे ट्विस्टर होता है उसी तरीके का। लेकिन अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बिलो निकिता से मैं पूछ के ज़रूर शेयर करूंगी। और हमारी ये जो मस्ती है वो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी चेक कर सकते हो, अनुश्री गौर 21 या स्टूडियो कला संगम बाय अनुश्री गौर। और फिर स्टार्ट हुआ हमारा गेम जो कि है पिक्शनरी। यहाँ पर देखिए सनिथ क्या बना रहा है। गेम्स खेलने का एक मकसद तो डेफिनेटली इंजॉय करना होता है, बट साथ ही साथ बच्चों को मोटिवेशन देना भी है। और देखिए यहाँ पर जब सारे बच्चों ने गेस कर लिया कि सनित ने क्या बनाया तो वो बहुत खुश हो गया। इसी तरीके से ये गेम्स हमने खेले और आपके साथ कुछ झलकियाँ शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार या इंटरेस्टिंग रही। साइकिल।
कैरेक्टर है क्या भैया? लड़की का कोई कैरेक्टर इधर पे ही है, बच्चों में से एक कैसी रोटी बेटी रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा हट टीवी टीवी एक्सबॉक्स एक्सबॉक्स लिसन ये भी ना बोल दिया नहीं वर्किंग ये भी ना बोल दिया एक्सबॉक्स एक्सबॉक्स और अब है डिनर एंजॉय करने की बारी। अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा हमारे जितने भी सेलिब्रेशंस हम करते हैं उसका ये सेट पैटर्न है। तो हम लोग मिलते हैं, उसके बाद बच्चे स्टार्टर्स खाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं, उसके बाद गेम्स होते हैं और उसके बाद हम सब लोग साथ में मिलकर डिनर एंजॉय करते हैं। सो आज के स्पेशल मेन्यू में है वेज मंचूरियन, राइस, हक्का नूडल्स, वेज एंड नॉन वेज लज़ानिया और ये जो छोले थे वो भी सब लोग इंजॉय कर रहे थे क्योंकि बहुत यम्मी बनाए थे निकिता ने। लज़ानिया त्रिवेणी बना के लेके आई थी एंड मंचूरियन राइस राज ने बनाया था एंड इन सब लोगों ने मुझे छुट्टी दे रखी थी कि मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो इस बार अभी जितनी भी पार्टीज़ हो रही है उसमें बस इंजॉय कर रही हूँ, कुछ नहीं बना के ला रही। थोड़ी गिल्ट भी रहती है मुझे मन में क्योंकि जब सबको देखती हूँ इतना यमी यमी खाना बनाते हुए तो मेरा भी मन करता है। जल्दी ही बनाऊँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी रेसिपी। हमारी पार्टी इवनिंग अराउंड 5:30 स्टार्ट हुई, उसके बाद में स्टार्टर, गेम्स, डिनर करते करते 11:30 अराउंड हो गया था। बस उसके बाद में हम सब ने साथ में मिलकर न्यू ईयर 2024 वेलकम किया। 2024 आई होप आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया अपना न्यू ईयर और इस व्लॉग को भी इंजॉय कर रहे हो। आपको बताना है कि मैंने और हम सब ने कितनी बार हैप्पी न्यू ईयर इस पूरे व्लॉग में बोला है। जो भी करेक्ट आंसर देगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से एक प्यारा सा प्रेजेंट। सो कमेंट बिलो, जल्दी से पूरा व्लॉग देखो, कंप्लीट करो और कितनी बार मैंने हैप्पी न्यू ईयर बोला है मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने, हम सब ने, वो आपको बताना है टू विन अ एक्साइटिंग प्रेजेंट फ्रॉम मी। तो चलिए व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो अब हम लोग आ गए हैं बाहर पटाखे जलाने के लिए। हम यहाँ निकिता लोगों के घर के सामने रुके हुए हैं क्योंकि मैं भी नहीं जा सकती थी रोड साइड बिकॉज ऑफ माय फ्रैक्चर और कनुषियन वेची भी इतनी आवाज़ों से डरती हैं, तो इनके साथ हम यहीं पे ये फुलझड़िया इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे हूँ बहुत खुश। वहाँ रोड साइड जाने में बस यही एक प्रॉब्लम है कि बहुत क्राउड होता है और टू अवॉइड एनी अदर कॉम्प्लिकेशन मैं यहीं पर रुकी हुई हूँ। और देखिए आसमान में आपको ये इतने रंग दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ पटाखों की आवाज़ें। तो आज का ये जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है ना, ये बिना पटाखों के तो इनकम्प्लीट ही होता है। चारों तरफ लोग आपको अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे। और इस साल में जो मैंने सबसे बड़ी सीख ली है आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि जीवन है, खुशी और गम लगे रहेंगे। खुशी में हम सेलिब्रेट तो करते ही हैं लेकिन अगर दुख आए तो हमें बस ये सोचना है कि हमें स्ट्रांगली फाइट करना है इस सिचुएशन से और इस सिचुएशन के बाहर निकलना है। स्माइल करते रहना है हमेशा और अपने आप को प्यारे प्यारे दोस्तों से, प्यारे प्यारे लोगों से सराउंडेड रखना है जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। बस मुश्किल यूँ निकल जाएगी। तो बस इसके बाद हम लोग वापस अंदर आए केक कट करने के लिए और फिर उसके बाद होगा हम सबका फेवरेट बिंगो। चलो वेरी गुड,
5. So for each row it's 5 euros. Okay? And the first housing, who gets everything done? First housing, it's 15 euros. Wow. And second housing, it's 10 euros. Okay. बिंगो हम सबका फेवरेट गेम हो गया है क्योंकि इसमें हर एज ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई लोग इसे तंबोला या हाउजी भी कहते हैं। और ये देखिए हमारे आज के प्राउड विनर्स जिन्होंने प्राइजेस जीते। अनफॉर्चुनेटली मैंने तो कुछ भी प्राइज नहीं जीता, लेकिन जीता बहुत सारा क्वालिटी टाइम अपने इन प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ और बहुत सारे फन मोमेंट्स। उसके बाद एक न्यू ईयर इंटरव्यू था, न्यू ईयर्स इंटरव्यू जो बच्चों के लिए था और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया इसे। हमें भी उनके जवाब पढ़कर बहुत मजा आया। आप पॉज करके ये क्वेश्चंस देख सकते हो। उसके अलावा ये जो एक गेम था जिसमें एक बाउल में चिट्स थी और हर किसी को एक चिट पिक करनी थी और उसमें जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस ईयर की बिगेस्ट लर्निंग आपकी क्या थी, या फिर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी थी। है ना, बहुत ही प्यारा सा आइडिया। सब लोग एक साथ इस गेम को खेल सकते हैं। सो इस तरीके से हमने अपनी न्यू ईयर ईव इन्जॉय की, साथ में सेलिब्रेट किया। एंड आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। एज यूजुअल जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ढेर सारी पॉजिटिविटी देने की कोशिश हमारी। आपने ये चीज़ फील की होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी आइडिया अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली से ज़रूर शेयर करिए, शायद उन्हें कोई आइडिया पसंद आ जाए और वो भी अपने इवेंट को और इंटरेस्टिंग बना पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।